रतलाम के ग्राम धराड़ उप विद्युत केंद्र में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी रिपोर्ट थाना बिलपांक में दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा थाना प्रभारी को प्रभावी कार्रवाई कर शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार खाका एवं SDOP अभिलाष भलावी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिलपांग कोपी सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मुखबिर तंत्र, CCTV फुटेज एवं साइबर सेल की मदद से अज्ञात आरोपी की तलाश की गई, तो संदेही असलम खान का नाम संदेह के घेरे में आने पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में असलम खान द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि 19 अगस्त की रात करीब 1-2 बजे के बीच वह स्वयं अपने ऑटो से धराड़ आकर उप विद्युत केंद्र में घुसकर 2 ट्रांसफार्मर, 6 एल्यूमिनियम तार के बंडल, 2 सबमर्सिबल मोटर पाइप एवं अन्य विद्युत की सामग्री चोरी कर फरार हो गया था। आरोपी असलम मेवाती के कब्जे से चोरी की गई संपूर्ण सामग्री एवं अपराध में उपयोग किया गया ऑटो जब्त किया गया है। आरोपी से पूछताछ कर अन्य सहयोगी आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सर, ये चोरी वाला मामला क्या है सर? हाँ, ये 19 तारीख की दरमियानी रात की बात है। धराड़ उप विद्युत केंद्र है, वहाँ पर कोई अज्ञात चोरों ने अंदर घुसकर चोरी की थी, जिसमें 6 एल्यूमिनियम तार के बंडल, 2 सबमर्सिबल मोटर, 2 ट्रांसफार्मर और छोटी मोटी विद्युत की सामग्री चोरी हुई थी। JEE की रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना दौरान हमें एक संदेही का नाम सामने आया था, जिसका नाम असलम है, जिसको पकड़कर पूछताछ की, जिसने चोरी कबूल की है। चोरी कबूल करने के बाद उसके कब्जे से चोरी गई समस्त सामग्री जब्त हुई है। उसका ऑटो जो उसने चोरी में उपयोग किया वो भी जब्त किया है। टोटल मसरू का हमने 2,75,000 का जब्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। पूछताछ में उसने सहयोगियों का नाम बताया, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों को न्यायालय पेश किया।